मध्य प्रदेश के कसराबाद में गवली समाज के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें एसडीएम कार्यालय कसराबाद को यह ज्ञापन सौंपा गया। कसराबाद तहसील के ग्राम गवला के गवली समाज संगठन के द्वारा सदस्यों के द्वारा रैली निकालकर आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई है। देखिए साहब, अभी जितनी भी योजनाएं है वो तो केवल हम अभी धरातल पर पूरी तरह नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इतना योजनाओं के बावजूद भी शासन प्रशासन की इतनी सारी योजनाओं को लागू करने के बाद भी इस प्रकार की हवानत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जैसा कि अभी आज जामिया में भी 11 तारीख को जो घटित घटना हुई है, उससे सारा ये अनुमान अभी और ये हो रहा है कि सारा इतनी व्यवस्था के बावजूद भी ऐसे दरिंदे लोग आज भी हमारे समाज में पनप रहे हैं। मेरा ये निवेदन है, आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सजाए मौत होना चाहिए, ताकि बाद में ऐसा व्यवहार करने वाले डरें। अभी हम लोग इन चीज़ों पर नहीं जा पा रहे, इस कारण जो है लोग दिन पर दिन ऐसे हवानियत करते जा रहे हैं और लड़कियों के साथ बलात्कार। हमारे देश और प्रदेश के मुखिया भी बेटी बचाओ बेटी आंदोलन और भांजियों के नाम से सारे काम कर रहे हैं, किंतु उसके बावजूद भी ऐसी हवानियत हो रही है, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की थोड़ी बहुत लापरवाही हो रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में छेड़खानी से परेशान होकर एक महिला थाने पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि मेरठ थाना क्षेत्र के ग्राम नगला का यह मामला है। ससुर की छेड़खानी से परेशान होकर महिला आज थाने पहुंची। महिला के साथ अभद्रता करते हुए तूतू मैमे की घटना हुई। मेरे साथ बदतमीजी करी और मुझे खाना नहीं बनाने देता, सास लदा मारा, बुढ़ा मारा, मैं सलाह पार कर लेगा, बदतमीजी करता, लौंडे की भगा दिया यहाँ से। अगर फिर महीना होगा मेरे को कि तुझे मैं रखूंगा, मेरे रहेगी, मेरा लड़का दूसरी शादी कराएगा, तुझे किसी कीमत पर ना रखना, चाहे हमारी गर्दन कर जा। सास का भी यही कहना है, ससुर का भी और देवर का भी यही कहना, आनंद भी यही कहती है। आपने की शिकायत पुलिस प्रशासन में की जाकर? कि मैंने फोन करा 112 नंबर पर, मैंने फोन तो बताई कि ऐसे बात है, हाथी को तंग करा डेली आपको रोजाना लाठी का मुझे मारता क्यों है ना, और मैं सरवाता से लेकर मैं बदतमीजी बेकदरी ज्यादा करता, डेली का टॉर्चर करना मुझे। पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये दिया कि महमूद प्रधान शिकायत करी आया, उसने मना कर दी कि कुछ नहीं करना। बंदरा प्रखंड में भाकपा माले ने किसान सभा एवं खेत मजदूर सभा सहित अन्य संगठनों के मदद से सिमरा चौक पर किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ पुतला दहन कार्यक्रम किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी की। सिमरा भट्टा से प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो सिमरा चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम का नेतृत्व भाकपा माले के प्रखंड सचिव रामबली मेहता कर रहे थे। बंदरा प्रखंड मुख्यालय के पास सरकारी पोखर की जीर्णोद्धार एवं उराही की मांग तेज हो गई है। बताया जाता है कि यह प्राचीन पोखर है, काफी साल पुराना यह पोखर है, लेकिन इसके जीर्णोद्धार की तरफ किसी भी पदाधिकारी का ध्यान नहीं है। मनरेगा भवन के सामने यह पोखर स्थित है, जिसके जीर्णोद्धार की मांग की गई है। लोगों का बताना है कि प्रखंड मुख्यालय में यह पोखर रहने के बावजूद इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है, लगातार गंदगी का शिकार होता जा रहा है, अतिक्रमण भी बढ़ते जा रहे हैं। सरांध की वजह से पोखर एवं आसपास के इलाकों में ठहरना मुश्किल है। खास बात यह है कि पोखर के किनारे कई सरकारी कार्यालय भी यहाँ संचालित हो रहे हैं। खुद बंदरा में प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र भी इस पोखर के किनारे संचालित हो रहे हैं। ताजुब की बात है कि स्वास्थ्य विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी है। सरकार के निर्देश के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ संबंधित लोगों को नहीं मिल पाने से परेशानी उत्पन्न हो रही है। बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर के पदाधिकारी आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय इनकी अनदेखी कर दे रहे हैं, जिसके कारण से गरीबों में परेशानी बढ़ रही है। बंदरा में प्रखंड मुख्यालय पहुंचे मुन्नी मैंगरी पंचायत के सकरी मन के एक पीड़ित ने बताया कि लगातार कार्यालय का चक्कर काटकर वे परेशान हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सुशासन बाबू के सरकार में जो कहते हैं कि कन्या का बाल विकास योजना है, वो बाल इकाई का मैटर है कि 442 लेटर नंबर प्रियांशु कुमारी, माता मोनी देवी, पिता स्वर्गीय सुजीत कुमार पांडे, जिनका की बच्चे का अप्लाई 13 में हमने किया, 14-15 में जाकर के उसको जो है सो एक बार किस्त 2000 रुपया आया साल भर में। आज तक ऑफिस मुजफ्फरपुर से बंदरा तक दौड़ते दौड़ते थक गए, लेटर नंबर 442 है। आज तक उस बच्चा का
भरण पोषण के लिए एक रुपया नहीं मिलता। यही सुशासन बाबू का, बिहार सरकार नीतीश बाबू का शासन। शिकायत